वेलकम दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स, टॉप करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जो आपके रेलवे के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं और उनमें से आगामी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पीडीएफ नहीं मिलती है तो दोस्तों, आप मैं आपको नंबर देता हूँ, 8107561363 के ऊपर जाना है और मुझे मैसेज कर देना है कि सर, मैंने आपके नंबर सेव कर लिए हैं। आप भी मेरे नंबर सेव कर लीजिए। वहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम, आपको पता है कि व्हाट्सएप स्टेटस सभी विद्यार्थी स्टूडेंट देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी 100%। दोस्तों, आपको क्या लिखना है, अपना नाम और अपने राज्य का नाम लिखना है कि मैं इस राज्य से हूँ और मुझे व्हाट्सएप स्टेटस पे हर मटेरियल चाहिए। तो लाइव क्लासे भी हम शुरू करने वाले हैं, उन सभी की पीडीएफ है हम आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जनवरी 2021 के टॉप करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, जिसे AICF के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बने गए, नए अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। इसका राइट आंसर है डॉक्टर संजय कपूर। क्या है? डॉक्टर संजय कपूर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है केन विलियमसन। केन विलियमसन ने ये जो 145 टेस्ट पारियों के अंदर ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले मैं बात करूं, पहले स्थान पर है हमारे विराट कोहली, भारतीय विराट कोहली है, और दूसरे स्थान पर है स्टीव स्मिथ। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो एक कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, स्टीव स्मिथ है ना, किस देश के खिलाड़ी है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश ने लगभग 1.5 माह के सख्त कानून, कौन सा लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, बांग्लादेश, भारत, ब्रिटेन या पाकिस्तान? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ब्रिटेन ने किया है 1.5 माह के लिए। और दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ब्रिटेन के पीएम की मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के संबंधित पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना। बोरिस जॉनसन, कौन है, बोरिस जॉनसन, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर ये भी ध्यान में रखना है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, राजस्थान, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु? 4 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे के अंदर पूछा गया प्रश्न भी है। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिला के लिए मलाला यूसुफ जाई अधिनियम पारित किया गया है? महिला, जो आप सभी को पता है दोस्तों, महिला यूसुफ जाई अधिनियम पारित करने वाला देश है, विश्व का पहला देश बना है, अमेरिका बना है। ये आतंकियों से खिलाफ, इस महिला के ऊपर, सबसे छोटी महिला थी, गोलियों से भूंज गई थी, पूरी गोलियां इसके अंदर आ गई, उसके बाद भी ये जीवित रही। क्या रही? जीवित रही। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान में रखना है, तो इसका राइट आंसर है अमेरिका, राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? क्या पूछ, तमिल अकादमी की स्थापना करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस स्थान, किस दिन मनाया जाता है, मार्च, जनवरी, अप्रैल? तो दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 4 जनवरी, क्योंकि हम जनवरी के टॉप करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस
4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखें, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश को खाद्य विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया है? तो देखिए, वियतनाम से सवाल पूछा गया है, इसका राइट आंसर है भारत से चावल खरीदा। किससे खरीदा? भारत से चावल खरीदेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी कहते हैं, असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने डॉलर का दर्ज जो कर्ज है वो देगा, कितने डॉलर कर्ज देगा, बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर है बिल्कुल जो इसका 23.1 करोड़ डॉलर। और ये जो जो एडीबी है, एडीबी ने इनकी जो, अगर आपसे पूछे कि ये मंजूरी कब दी, मंजूरी की बात करें तो दोस्तों ये मंजूरी 2014 में दी। कब दी मंजूरी कब दी? 2014 के अंदर इसकी मंजूरी दी थी। देखिए, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किसके लिए किरायों में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है, खिलाड़ियों को मिलने वाली जो छूट थी उसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। कोरोना के काल में चलते देखते हुए जो भी खिलाड़ी होते हैं उनकी जो रेल के अंदर यात्रा करते हैं उनके लिए छूट बंद कर दी गई है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी का बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? 10 मिलियन डॉलर ऋण हस्ताक्षर पर समझौते किए। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या है आपका प्रश्न का राइट आंसर? हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हेकार्थन 2020 का उद्घाटन किया है? देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो आपके केंद्रीय कृषि मंत्री है। कौन है ये आपको ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्री है, कृषि मंत्री है, केंद्रीय मंत्री पूछे तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला देखिए, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया गया है? तो इस हिंद महासागर है तो इसका राइट आंसर है चीन ने किया। किसके द्वारा? चीन ने किया गया है। और ये दिसंबर 2019 के अंदर जो इसका जो लक्ष्य था लॉन्च किया गया, 2019 के अंदर जो ड्रोन है ना ये कब लॉन्च किया गया, अगर आपसे पूछे लॉन्चिंग, अगर आपसे पूछे कि लॉन्चिंग कब हुई तो लॉन्च कब हुई, 1920 के अंदर लॉन्च कर दिया गया था, दिसंबर 1920 के अंदर। देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों किसानों के लिए ये की गई, ये 6 जनवरी को की गई, अगर आपसे पूछे जनवरी 6 जनवरी को की गई है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश ने ये शुरू की है। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान शब्दों के अंदर बदलाव किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने बदलाव किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने जाने माने डिजाइनर पियर्स कार्डिन का 98 साल में निधन हो गया? तो वो किस देश के है, ये सवाल पूछा गया है, निधन हो गया है, ये आपके फ्रांस के रहने वाले। क्या है? फ्रांस के रहने वाले हैं। और इनका जो जन्म है 1922, देखिए 1922 में इटली के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म 1922 के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगला देखिए, किस देश के पहले तेज टीम सऊदी क्रिकेट टेस्ट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए? तो दोस्तों जो टीम सऊदी है, टीम सऊदी किस क्रिकेट से है, और ये न्यूजीलैंड के, किसके है? न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाज है जिन्होंने 300 विकेट की श्रेणी में हासिल हुए हैं। और इसके अंदर जो
न्यूजीलैंड के पूर्व विक्टोरी, आपने सुना होगा स्मिथ विक्टोरी, विक्टोरी ने भी इस श्रेणी में अपना नाम हासिल किया। और ये न्यूजीलैंड के तीसरे गेंदबाज है, कितने नंबर के गेंदबाज है, तीसरे नंबर के गेंदबाज है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी, क्या पूछा है, एम्स की आधारशिला। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है और 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर राजकोट, क्या है, राजकोट के अंदर आधारशिला रखी है। केंद्र सरकार ने एंथलॉन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ब्याज सहायता योजना की मंजूरी दे दी गई है, 19 नंबर प्रश्न, और 19 नंबर प्रश्न का है राइट आंसर है 4573 करोड़ रुपए, ये आपको ध्यान में रखना है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल, देखिए इस साल अंत तक चंद्रमा पर पहुंचने का परमाणु रिएक्टर आधारित स्थापित किया गया है और ये योजना कब तक तैयार हो जाएगी, तो 2026 तक, ये योजना 2026 तक पार हो जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइविंग सहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है, मेट्रो रेल के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है दिल्ली, क्या है, दिल्ली आपका राइट आंसर है। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। देखिए किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़े हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है, वो है विदेश मंत्रालय, क्या है राइट आंसर, क्या है, विदेश मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशियाई सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, एशियाई अमीर व्यक्ति बने, तो इसका राइट आंसर है जॉन सान सान, देखिए जॉन सान सान। तो दोस्तों ये टॉप 25 करंट अफेयर्स जो आपके जनवरी 2021 के टॉप करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस जो आपका होता है, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे नंबर रहे, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8107561363 के ऊपर ये आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। नए अपडेट में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।